मैंने आज तक जो जो टूल्स डेवलप किए हैं उसमें से पहले मैं मैंगो यानी आम, चीकू, आंवला और बहुत सारे ऐसे फलों को निकालने के लिए कौन सी चीज़ आसान हो जाए और कौन सा टूल आसान हो जाए इसके बारे में मैंने सोचा। और अभी मैं आपके सामने ये आम निकालने का जो प्लकर है, हार्वेस्टर है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये हार्वेस्टर है। इसमें क्या खूबी है, इधर जो बनाया है वो फल को अटकाने के लिए क्या बनाया है, इधर इस बाजू में, पीछे वाली बाजू में ये जाली बनाई है, साइड में दो पट्टियाँ लगाई है, बीच में सीधी पट्टी है और नीचे वाला हिस्सा है वैसा राउंड है, देखिए। और नीचे जहाँ फल गिरते हैं वो सेफ या सुरक्षित रहने के लिए ये जाली बना दी है। ये सब मैंने खुद डेवलप किया है। देखो इसमें क्या है कि कौन सा भी फ्रूट यहाँ पकड़ के खींच लेंगे तो नीचे नहीं गिरेगा, इधर गिरेगा और यहाँ से ऐसा इधर इस जाले में आएगा और पूरा सेफ रहेगा। इसके पहले जो जो हार्वेस्टर, फल के हार्वेस्टर डेवलप किए हैं उसमें ये फ़र्क है, वो हार्वेस्टर को ज़मीन तल रखना पड़ता था। ये हार्वेस्टर हैं ये हम ऐसे ही ऊपर, ये देखो उसकी एक डंडी है, मैं आपको ज़रा लंबा जाके दिखाता हूँ। और ये डंडी को ऐसा ऊपर, ये देखो ऐसा ऊपर करके, ये देखो ऐसा ऐसा ऊपर करके ऐसा फल को खींच लिया, ऐसा खींच सकते हैं और जो बोझ रहता है वो ऐसा ज़मीन पे तुरंत रख सकते हैं। अपने हाथ पे कोई बोझ नहीं आता। ये देखो ऊपर किया, प्लग किया और नीचे रख दिया, इतना ये आसान है। ये डंडी कितनी भी लंबी आपको जितना चाहे रख सकते हो। ये मेरी प्लकर की जो डंडी है, देखो इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ 8 फीट की है। ये कैसा बनाया है, बाजू में ऐसे सुराग बनाए हैं, देखो ये देखिए पीछे ऐसे सुराग बना दिए हैं और ये जो जिधर वो लटकाया है उधर भी ऐसे छोटे छोटे सुराग बना दिया है, उस और उस सुराग में ये अच्छी तरह से बांध दिया है, उसके कारण वो बहुत मजबूत हो गया है और बहुत हल्का है। इसका वजन सिर्फ 250 ग्राम है, उसके खातिर इसमें जो भी फल गिरे उसका बोझ हम सह सकते हैं। ये जाली है, उसका साइज़ फल के साइज़ से बना सकते हैं और ये बहुत बनाना भी आसान है।